हाय गाइस, सो आई एम बैक। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरा जो नीट का बायोलॉजी सिलेबस है, जो 38 चैप्टर्स का है, उस पूरे के मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, यू नो, पास्ट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगी। जो बच्चे मेरा ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ, हम ये सारे 38 चैप्टर्स का 2010 ऑनवर्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। वाई? बिकॉज 2010 ऑनवर्ड पेपर का ट्रेंड चेंज हुआ, तो आपको 2010 के बाद का ही पेपर सॉल्व करना चाहिए। पेपर हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको पता चले वो चैप्टर से का क्या वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपका क्या पोजीशन है, आपके ग्रे एरियाज क्या है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दे आर मेनी क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, तो वॉट बेटर कि अगर दो चार क्वेश्चन आपके पास पेपर सॉल्व करने से ही आपके आ जाए। सो बिफोर आई प्रोसीड विद माई, मैं एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ ऑन क्लास 11 चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, आज मेरा सेकेंड है, तो ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11 का ही सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, मैंने उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे प्लीज़ देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि 2010, 11 एंड 12 ये तीन ऐसे साल थे जब दो बार यू नो नीट के एग्जाम होते थे, पीटी एंड मेंस। तब नीट नहीं कहते थे, AIPMT, एंड पीटी में 100 क्वेश्चन बायो के आते थे और मेंस में 60 आते थे। एंड 2015 एंड 16 दो ऐसे साल हैं जिस साल यू नो AIPMT या नीट जो भी था उस साल वो कैंसिल हुआ था, इसलिए एग्जाम दोबारा हुआ था। तो हम 2010 से लेकर 2018 तक के सारे यू नो पेपर्स, चाहे वो रिपीट हुए थे, चाहे वो पीटी थे, मेंस थे, हम सबको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एंड बिफोर आई प्रोसीड, लेट मी टेल यू टू समथिंग अबाउट माईसेल्फ। आई एम डॉक्टर श्वेता मलानी। पिछले 15 साल से ऊपर से मैं केवल मेडिकल के लिए बच्चों को तैयारी करा रही हूँ, और मेरे आज के दिन बच्चे ऑलमोस्ट सारे मेडिकल कॉलेजेस में, राइट फ्रॉम एम्स, जिपमर टू एनी मेडिकल कॉलेज यू कैन थिंक ऑफ, वहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। एंड मैं हमेशा उनको कहती थी कि पास्ट पेपर जरूर सॉल्व करिए, तो वही लेकर मैं आपको आगे आई हूँ। और इससे पहले हम आगे बढ़े, एज आई टोल्ड यू, always, you know, any YouTuber will always tell you, please like, subscribe my channel and share it with maximum people, ताकि ज़्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। So guys, without wasting much time, we will proceed to now today with discussion on past paper on the chapter biological classification, right? So guys, let us move ahead. तो सबसे पहले आ जाते हैं 2010 में। जैसा कि मैंने कहा था, 2010 में पीटी और मेंस आपके दोनों हुए थे, तो मैं सबसे पहले आपका पीटी का क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन आया था, सिंगल सेल यूकैरियोट किस में आते हैं? तो वी नो दैट सिंगल सेल यूकैरियोट्स केवल आता है इन किंगडम प्रोटिस्टा, तो इनमें से विच वन इज अ प्रोटिस्ट? तो अच्छा, तो द राइट आंसर इज प्रोटिस्टा। रेस्ट गाइज, यू गेस्ट इट राइट, द राइट आंसर इज थर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था, वायरस एनवेलोप इज नोन एज? वी नो दैट वायरस इज ओनली मेड अप ऑफ टू थिंग्स, द बाहर में होता है एक प्रोटीन का एनवेलोप जिसको हम कहते हैं राइट कैप्सिड, और अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है विच कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए, बट नेवर बोथ, राइट? सो हियर अगेन, वंस अगेन गाइज, यू गेस्ट इट राइट, द सेकेंड आंसर इज द थर्ड वन, दैट इज कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आर एबसेंट इन, यू नो दैट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स आर एबसेंट इन प्रोकैरियोट्स विच बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, तो इनमें से जिसका इकलौता एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, तो कौन बैक्टीरिया है? यू नो दैट स्ट्रेप्टोकोकस इज अ बैक्टीरिया। रिमेनिंग थ्री, दिस सैक्रोमाइसिस इज फंजाई, ईस्ट, प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा, एंड क्लमाइडोमोनस प्रोटिस्टा या एल्गी, आप जो माने इसको। सो ऑब्वियसली द राइट आंसर इज द फोर्थ वन, वंस अगेन यू गेस्ट इट राइट गाइज, इट इज द फोर्थ वन, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स क्या होते हैं? आपके एनसीईआरटी में लिखा है इन्फेक्शियस आरएनए को हम कहते हैं वायरॉइड्स, पर यहाँ तो पूछा है इन्फेक्शियस प्रोटीन क्या होता है, तो मैं बता दूँ, इन्फेक्शियस प्रोटीन को हम प्रियॉन्स कहते हैं। ये आपके जो करेंट इस साल जो नया एनसीईआरटी रिलीज हुआ है उसमें प्रियॉन्स को ऐड कर दिया गया है। सो गाइज, वंस अगेन द राइट आंसर इज द फोर्थ वन। सो दिस ईयर 2010 5 क्वेश्चंस आए थे आपके इस चैप्टर से, सो दैट्स अ वेरी हाई नंबर। सो नाउ लेट अस कम टू 2011 पीटी। 2011 पीटी में ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथानोजेंस आर फाउंड मोस्ट अबंडेंट इन, हमें पता है भाई मिथानोजेंस कैटल यार्ड में पाए जाते हैं, सो द राइट आंसर इज द थर्ड वन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनेरा और अ बैक्टीरिया। सो वी ऑल नो इट गाइज, इट इज एस्चेरिचिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। सो वंस अगेन यू गेस्ट इट राइट, द राइट आंसर इज द थर्ड वन, एस्चेरिचिया कोलाई।
सो दिस ईयर 2011 पीटी में दो क्वेश्चंस आए थे आपके, दैट्स नॉट बैड, प्रिटी गुड. सो नाउ लेट अस कम टू 2012 का पीटी. 2012 के पीटी में क्वेश्चन आया, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कौन से ग्रुप में पाया जाता है. बियॉन्ड डाउट गाइज, इट इज किंगडम मोनेरा. सो द राइट आंसर इज द फर्स्ट वन. मैं आपको दिखा दूँ पेज 19 के आपके एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा है, दे शो द मोस्ट एक्स्ट्रा बैक्टीरिया शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. या मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी से मतलब ही है द न्यूट्रिशन, राइट. तो ये आपके पेज 19 एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. सो इफ यू हैव नॉट रेड इट, प्लीज रीड इट वंस. विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस? दे हैव द एबिलिटी टू सिंथेसिस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, येस बट विद इन अ होस्ट. एक होस्ट के अंदर ये कर सकते हैं. एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, राइट. आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि वायरसेस एंटीबायोटिक्स से नहीं मरते. ऑल ऑफ देम आर पैरासाइट्स, राइट. सारे वायरसेस केवल लिविंग बॉडी के अंदर में ही लिविंग होते हैं, हमारे बाहर तो डेड होते हैं. सो दे ऑल आर पैरासाइट. ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री. एब्सोल्युटली रॉन्ग. पूछा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो गाइज यू गेस्ट इट राइट वंस अगेन, द फोर्थ वन इज द राइट आंसर. मैं बताती हूँ कैसे. आई जस्ट शो इट हियर गाइज. एक्चुअली वायरसेस में तीन ही तरह के, ब्रॉडली अगर देखोगे ऐसे तो पांच सिमेट्री होती है, पर ब्रॉडली तीन होती है. आइदर दे आर यू नो कैप्सिड का जो कैप्सोमियर्स है, दे आर हेलिकली अरेंज, और इट इज आइसोहेड्रॉन, और इट इज कॉम्प्लेक्स. दैट मीन्स ऑल ऑफ देम आर नॉट हेलिकल, सम आर हेलिकल, सम आर आइसोहेड्रॉन एंड सम आर कॉम्प्लेक्स. सो द राइट आंसर वॉज द फोर्थ वन. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. आप देखोगे अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट मीन विच वन इज अ प्रोकैरियोट. तो आप बताइए इन चारों में प्रोकैरियोट कौन है. ऑफकोर्स नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी, इट इज अ प्रोकैरियोट. वॉल्वॉक्स इज एन एल्गी. पेनिसिलियम एंड एगारिकस, दे आर फंजाई. सो वंस अगेन गाइज यू गॉट इट राइट. द राइट आंसर इज द सेकेंड वन, दैट इज नॉस्टॉक. साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अभी मैंने बताया साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. सो ऑफकोर्स द राइट आंसर इज वंस अगेन द सेकेंड वन, दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी. एंड गाइज वंस अगेन यू गॉट इट राइट. विच वन ऑर्गेनिज्म और अ पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइन टू देयर टैक्सोनॉमिक ग्रुप. ईस्ट इज हेल्प्स इन ब्रेड एंड बियर एज अ फंगस. मुझे तो यही देखकर लग रहा है ये तो राइट आंसर लग रहा है. विच ऑर्गेनिज्म इज राइट एंड अलॉन्ग विद द टैक्स, ईस्ट इज अ फंगस, इट्स राइट. नॉस्टॉक एनेबेना लिखा है प्रोटिस्टा, इट्स रॉन्ग, दे आर मोनेरा. पैरामेशियम प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम एज पेनिसिलियम, नो. पेनिसिलियम बिलोंग्स टू किंगडम फंजाई एंड दे बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा. लाइकन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड प्रोटोजोआ, नो, इट इज एल्गी एंड फंजाई. सो द राइट आंसर इज द फर्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट दैट हेल्प्स इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. वो प्रोकैरियोट जो कर्ड से कर्ड बनाता है फ्रॉम मिल्क, विच मेक्स कर्ड फ्रॉम मिल्क, वो कैसा है. प्रोकैरियोट है तो बैक्टीरिया होगा, क्या वो कीमोसिंथेटिक है, क्या वो हेटरोट्रोफिक है, क्या वो साइनोबैक्टीरिया है, क्या वो एल्की बैक्टीरिया है. ऑफकोर्स गाइज हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया ही कर्ड को मिल्क से बनाते हैं. इन केस यू मिस्ड इट, यू कैन सी इट ऑन पेज 19 ऑफ योर एनसीईआरटी, जिसको हमने यहाँ पर डाल रखा है. आपके पेज 19 के लास्ट पैराग्राफ में लिखा है हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि इसको एनसीईआरटी से वर्बैटिम लिया गया. मैं आपको एक चीज बताऊँ, देयर इज अ मिथ. लोग कहते हैं एनसीईआरटी ये बाहर पढ़ो बाहर पढ़ो. आप क्वेश्चन पेपर डिस्कस करोगे, आप देखोगे हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है, हार्डली एक आध क्वेश्चन बाहर आता है. एंड एनसीईआरटी में इतना घुस के आता है कि आप ये सब चीज़ पढ़ते नहीं हो. आपको लगता नहीं यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं सबका, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया का नाम पढ़ लिया, कौन क्या करता है, और एनसीईआरटी के सिंपल लाइन्स इग्नोर कर देते हो. तो गाइज एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसको वर्ड बाई वर्ड पढ़ो, ऐसे ही आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे. सो सिक्स क्वेश्चन केम्स फ्रॉम 2012 पीटी, दैट्स अ बिग number guys. So now let us move to 2010 mains. Select the correct combination of statement regarding you know certain characteristic of the organism. So kehta methanogens are archaea bacteria which produce methane, yes absolutely right. Nostoc filamentous blue green algae hai jo atmospheric nitrogen ko fix karta hai, absolutely right. Chemosynthetic autotrophic bacteria synthesize cellulose from glucose, wrong. Bacteria ko cellulose ka kya kaam, बैक्टीरिया का तो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना है, राइट. तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे भी सनलाइट से ग्लूकोज बनाते हैं, न कि ग्लूकोज से सेलुलोज बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एब्सोल्युटली राइट. तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर राइट, द ए बी एंड डी. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, यस गाइज वंस अगेन वी डिड इट राइट, इट्स द फर्स्ट वन.
अब आता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किससे कॉज होता है? इन जनरल बेटा वी नो दैट रस्ट इज कॉल्ड बाय पक्सीनिया एंड स्मट बाय यूस्टिलेगो, सो द राइट आंसर इज वंस अगेन गाइस नॉट ज़ैंथोमोनस, नॉट ऑल्टरिया, नॉट यूस्टिलेगो बट पक्सीनिया। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट द करेक्ट लेबलिंग एज पर योर एनसीईआरटी। टेल मी व्हाट इज ए? यस ए इज हेड। व्हाट इज सी? यू नो सी इज बेसिकली कॉलर। व्हाट इज बी? दिस इज शीथ। एंड व्हाट इज डी? इट इज स्टील फाइबर्स। सो ऑब्वियसली द राइट ऑप्शन इज द फोर्थ वन। गाइस लेट मी फॉर योर सेक शो यू द डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी। दिस इज द डायग्राम जिसका लेबलिंग आया था, यानी कि और एक चीज क्या पता लगा, एनसीईआरटी का केवल वर्ड मत पढ़ी, हर एक डायग्राम को भी पढ़िए क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो थ्री क्वेश्चंस केम, दैट्स अ गुड नंबर। 2011 मेंस में देखे क्या आता है। द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म इन ह्यूमन बिलोंग टू द सेम किंगडम एज। माइक्रोस्पोरम जो रिंग वर्म कॉज करता है, पहले बताइए इसका किंगडम क्या है। सो वी नो इट, इट्स फंजाई। अब पूछता है इनमें से चारों कौन फंजाई को बिलोंग करते हैं। तो टीनिया, नो एनिमेलिया, उचेरिया, नो एनिमेलिया, स्कैरिस, नो एनिमेलिया, राइजोपस, इट्स बिलोंग्स टू फाइकोमाइसीट्स, सो इट इज अ फंजाई। सो ऑब्वियसली द राइट आंसर इज द थर्ड वन। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज। मैंने अभी आपको कॉमन कोल्ड इज कॉज बाय वायरस। द ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज कॉमन कोल्ड इज राइनो वायरसेस। अब बता दो विच इज द राइट ऑप्शन। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट इज कॉज बाय वायरस। अभी अभी तो पढ़ाया था कि वायरसेज आर नॉट किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स, राइट? सो द राइट आंसर इज द फर्स्ट वन। टू क्वेश्चन केम, सो दैट्स प्रीटी गुड। नाउ लेट अस कम टू 2012। इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लमाइडोमोनस एंड क्लोरेला आर इंक्लूडेड इन विच किंगडम? फाइव किंगडम क्लोरेला एंड क्लमाइडोमोनस। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, ये दोनों एल्गी हैं, तो हम सोचते हैं ये किंगडम प्लांटी होगा। मैक्सिमम बच्चे उस साल यही लिखकर आ गए, बट द राइट आंसर वॉज प्रोटिस्टा। And I'll tell you why. The answer is, यहाँ मेरा आंसर गलत लिखा हुआ है guys, don't go for this. It should have been the second one, B. The reason is, I'll just show you from your NCRT, page 18. Page 18 में, NCRT में, आपका clear cut लिखा हुआ है, कि, you know, all prokaryotic organisms, Monera में, हमने डाला, and unicellular eukaryotic organism were placed in protista. किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टूगेदर क्लमाइडोमोनस एंड क्लोरेला, जिसको हम पहले एल्गी में रखते थे, विद पैरामेशियम एंड एमीबा, जिसको हम एनिमेलिया में रखते थे। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पैरामेशियम, एमीबा, क्लमाइडोमोनस एंड क्लोरेला को हमने एक किंगडम में ले आया, दैट इज प्रोटिस्टा। एंड सिंस ये स्टेटमेंट आपके पेज 18 यानी कि चैप्टर 2 से वर्बैटिम लिया गया है, सो हियर द राइट आंसर विल बी बेटा द इट विल बी प्रोटिस्टा। The Chlamydomonas and Chlorella, they are included in Protista because the question has been taken from chapter 2. अगर यही chapter 3 से लिया गया होता, यानी कि plant kingdom से, तो आप plant ही सोच सकते थे, but यहाँ तो word by word आपको दिख रहा है ये 2 से लिया गया, तो it will be Protista. Right? The next question is, read the following 4 statement and answer the right, what is asked next to them. तो ये आप चाहें तो आप पढ़ लें, ये चारों प्लांट से लिया गया है, तो मैं किंगडम प्लांटी में ये क्वेश्चन फिर डिस्कस करूंगी। इस चैप्टर से केवल ये स्टेटमेंट लिया गया है विच आई वांट टू डिस्कस विद यू। द स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड लैक सेल वॉल। नो, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाई? आई विल जस्ट शो यू दिस, जस्ट लुक एट दिस। ये मैं आने आपके एनसीईआरटी के पेज 21 से लिया गया है दिस स्टेटमेंट गाइस, एंड यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है स्लाइम मोल्ड के बारे में। द स्पोर्स हैव टू सेल वॉल्स, द स्पोर्स हैव टू सेल वॉल्स। सो प्लीज गाइज एनसीईआरटी को बहुत गौर से पढ़िए। आप एनसीईआरटी के बाहर इतना पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी के बीच के डिटेल्स मिस कर देते हैं। और यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, दे लैक सेल वॉल, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो पूछ रहा है रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर, है ना, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउ मेनी। हम इस क्वेश्चन को एक बार प्लांट किंगडम वाले में फिर से पढ़ लेंगे क्योंकि रिमेनिंग 4 ऑप्शन प्लांट किंगडम से है, बट ऑफकोर्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये उस दिन याद रखना। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी हाउ मेनी क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। अब आ जाते हैं 2013 यूजी में क्या पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। डीप सी वाटर में हमें पता है आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है, सो द राइट आंसर इज गाइस
सेकेंड नीट 2013 वॉज वन ईयर जिसमें काफी कम क्वेश्चन आया, ओनली वन. नाउ लेट अस कम टू AIPMT 2014. नाउ 2014 में क्वेश्चन आया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एज सजेस्टेड बाय विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन. आपको पता है विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फाइव बेसिस पर किया गया है. आपके एनसीईआरटी में जो फाइव बेसिस लिखा हुआ है वो अलग है और जो मैं पढ़ाती हूँ वो अलग है, राइट. मैं पढ़ाती हूँ द फाइव बेसिस, मैं ये मेरा बहुत कॉमन डायग्राम है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का. दिस इज हाउ आई ड्रॉ इट. दिस इज किंगडम मोनेरा, दिस इज किंगडम प्रोटिस्टा, दिस इज किंगडम फंजाई, दिस इज किंगडम प्लांटी एंड दिस इज किंगडम एनिमिलिया. इसको पांच किंगडम में बांटा गया है पांच बेसिस में. सबसे पहला है आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में इस लाइन के नीचे सारे प्रोकैरियोट है, ऊपर में यूकैरियोट है. तो फर्स्ट इज सेकेंड इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इस लाइन के नीचे सारे यूनिसेलर है और इस सेल के ऊपर सारे मल्टीसेलर है. देयर कैन बी सम एक्सेप्शन इन प्लांटी एंड फंजाई, बट एनिमल्स तो सारे के सारे मल्टीसेलर होते हैं. तो पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड इज प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. ये दो मैंने पढ़ाया. थर्ड हम लोग पढ़ाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यू नो दे कैन बी आइदर ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक, और उसके और हेटरोट्रोफिक में आइदर दे कैन बी यू नो डिकम्पोजर और दे कैन बी कंज्यूमर. सो थर्ड हम लोग पढ़ाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फोर्थ हम पढ़ाते हैं रोल इन इकोसिस्टम. यू नो फोर्थ हम पढ़ाते हैं रोल इन इकोसिस्टम जो आपके एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है. दैट मींस आइदर दे कैन बी प्रोड्यूसर लाइक प्लांट इज अ प्रोड्यूसर, और दे कैन बी कंज्यूमर, और दे कैन बी डिकम्पोजर. ये आपका एनसीईआरटी नहीं लिखा है. और फिफ्थ हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक, दैट मींस द ऑर्डर इन विच दे हैव बीन इवॉल्व. तो एज पर जो हम पढ़ाते हैं दिस इज नॉट अ बेसिस, बट आपके एनसीईआरटी में तो चारों है. और क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. आपके एनसीईआरटी ने चारों को दिया. आई विल जस्ट शो यू दैट. ये सी एज पर योर एनसीईआरटी, ये आपके एनसीईआरटी के पेज 17 से मैंने लिया है. सो गाइज यू कैन सी इट हेयर. यहाँ लिखा है द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक. ये पांच दिए हुए. तो आपके एनसीईआरटी ने रिप्रोडक्शन को भी दिया है, राइट. रिप्रोडक्शन को दिया है. अब हमारे हिसाब से तो इसमें से कोई भी आंसर राइट नहीं है अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से जाएं. और अगर एनसीईआरटी के हिसाब से ना जाएं तब सेकंड वाले को आप राइट टिक कर सकते थे, बट सीबीएसई ने भी सेकंड को राइट टिक किया जबकि एनसीईआरटी में उन्होंने क्या लिखा है कि रेस रिप्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है गाइज, तो हम लोग जो पढ़ाते हैं उसके हिसाब से द सेकेंड इज नेवर अ मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. सो द सेकेंड, बट एनसीईआरटी में तो लिखा है ना, तो सीबीएसई को ये चारों ऑप्शन नहीं देने चाहिए थे, पर उन्होंने दिया और वो अपने ही लिखे हुए के खिलाफ गए और उन्होंने सेकंड वाले को राइट ऑप्शन दिया कि यस रिप्रोडक्शन इज नॉट वन ऑफ द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन एज पर विटेकर. ठीक है, सो गाइज नाउ यू विल सी अब क्या करें. इफ यू हैड फॉलोड एनसीईआरटी तब तो हमें एक भी गलत आंसर नहीं मिलता, मतलब नन ऑफ देम वुड हैव बीन अ रॉन्ग ऑप्शन. नाउ कम दिस क्वेश्चन अगेन केम आउटसाइड एनसीईआरटी. Which of the following fungi contains hallucinogens? That was a question outside NCERT. मैं इसका आंसर बता दूँ. It is Amanita. ठीक है, Amanita is known for its hallucinogenic properties. तो मैंने जब यहाँ चार ऑप्शन जब दिया है, Moschella, Amanita, Neurospora, Ustilego, चारों के बारे में बता दूँ. Moschella एक मॉरल है जो edible fungi है. Amanita ये poisonous होता है, as you can see it. एंड ये हेल्यूसिनोजिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करता है. न्यूरोस्पोरा ये एस्कोमाइसिस को बिलोंग करता है, इसे जेनेटिक्स में काफ़ी यूज़ किया गया था. एंड यूस्टिलेगो ये बिलोंग करता है एस्कोमाइसिस में और मेनली ये स्मट कॉज करता है. ना अगला क्वेश्चन है आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया, वाई. वी नो दैट बिकॉज आर्की बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये काफ़ी डिफरेंट होता है. उसके सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच लिपिड्स पाए जाते हैं. वायरसेस हैव DNA enclosed in protein coat, prokaryotic nucleus, single chromosome, both DNA and RNA. तो both DNA और RNA नहीं होता, either DNA और RNA होता है. तो as per these four options, we'll go with DNA enclosed in protein coat because yes, there are many viruses which have a protein coat and DNA. So we will go for the first answer. Which of the following shows coiled RNA and capsomeres? द आंसर इज टोबैको मोजाइक वायरस. अब बच्चे सोचते हैं ये क्वेश्चन मैम एनसीईआरटी के बाहर आया, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है. ये आपके एनसीईआरटी में पेज 26 में एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपका क्लियर कट बना हुआ है कि टोबैको मोजाइक वायरस का आप देख सकते हैं जो आरएनए वो कैसा दिख रहा है. ये हेलिकल है,
तो कॉइल आरएनए विद कैप्सोमियस, यानी कि आपको डायग्राम को कितने डिटेल में देखना है बेटा, आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि ये टोबैको मोजाइक वायरस का डायग्राम है, आपको केवल ये नहीं देखना कि इसका कैप्सिड है प्रोटीन का जो कैप्सोमियस का बना है, आपको केवल ये नहीं देखना ये आरएनए, आपको ये भी गौर करना है कि इसका आरएनए कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है एंड हेलिकली कॉइल्ड है, राइट। तो एनसीईआरटी को बहुत गौर से पढ़ा करिए, हर एक डायग्राम को गौर से पढ़ा करिए। अब लग्जोरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकन्स ऑन ट्रीज इंडिकेट व्हाट, आपको पता है जहां पर भी लाइकन पाया जाता है उसका मतलब होता है दैट द लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड, सो द राइट आंसर इज द फोर्थ वन। एंड ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, बाकी तो इसे हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपके साथ डील करेंगे। एक्चुअली आपको पता है फोटोसिंथेसिस में हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ग्लूकोज। सो ये जो हम ग्लूकोज बनाते हैं O6, इसमें कार्बन आता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन आता है कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि हम वाटर से केवल क्या लेते हैं हाइड्रोजन, और वाटर का ऑक्सीजन निकल जाता है एज फ्री ऑक्सीजन, आपको पता है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया, ये केवल कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, ओनली इन सम बैक्टीरिया नन अदर। क्या होता है कि यू नो दे यूज्ड H2S एज अ सोर्स ऑफ मेकिंग ग्लूकोज। तो मैंने बताया था आपको ग्लूकोज में, अभी बताया कार्बन आता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन आता है कार्बन डाइऑक्साइड से, हम इससे केवल क्या लेते हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है सल्फर नॉट ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ बाई प्रोडक्ट में बना था ऑक्सीजन या सल्फर, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ यूज हो गया है, दैट मीन्स यहाँ पर फूड बन रहा है पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा, इस फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और ये केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो आपको पता है इन चारों में यूल्वा क्लमाइडोमोनस एंड स्पाइरोगायरा, ये तीनों एल्गी हैं, तो ऑब्वियसली इकलौता बैक्टीरिया कौन है, रोडोस्पाइरिलम, सो ऑब्वियसली एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, अभी मैंने बताया जिसमें फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं निकलता, राइट, कुछ और निकलता है लाइक सल्फर, ये केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो ऑब्वियसली द राइट आंसर गाइज हियर विल बी द फर्स्ट वन, दैट इज रोडोस्पाइरिलम। दिस ईयर गाइज दिस वाज टू मच, 7 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए थे। नाउ लेट अस मूव टू 2015। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, वो पूछ रहा है, तो पहले केवल फर्स्ट एंड लास्ट को मिला लेते हैं। फाइटोप्थोरा, इट बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिस, नो, इट बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिस। ऑल्टरेरिया, इट बिलोंग्स टू ड्यूट्रोमाइसिस, यस, ये राइट है। म्यूकर, बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिस, नो, इट बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिस। अगैरिकस, बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिस, राइट। ये दोनों में से ही अब बीच वाले को मिलाते हैं। ऑल्टरेरिया ड्यूट्रोमाइसिस है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एबसेंट है, भाई बिल्कुल सही है। एगैरिकस बेसिडियोमाइसिस पैरासिटिक फंगस है, नहीं, ये एडिबल फंगस है। तो ऑब्वियसली विच वन इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज द सेकेंड वन। द गट ऑफ काउज एंड बफेलो पोजेस, वी ऑल नो दैट दे पोजेस मिथेनोजेंस, सो गाइज द राइट आंसर इज द थर्ड वन। ट्यू न्यूक्लियस, देखो ये क्वेश्चन तो बार बार पूछ रहा है, इज एबसेंट इन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट, यू नो दैट एनाबेना इज अ प्रोकैरियोट, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक एंड एनाबेना, सो ऑफकोर्स द राइट आंसर इज द ट्रू न्यूक्लियस इज एबसेंट इन द, सॉरी द राइट आंसर इज फर्स्ट, यहाँ पे मेरा राइट आंसर गलत लिखा हुआ है, द राइट आंसर शुड हैव बीन द फर्स्ट, नॉट म्यूकर, ठीक है, आई विल करेक्ट ऑल दिस, बट ओके। सो नाउ लेट अस सी 2015 में तीन क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से। नाउ 2015 डी ए आई पी एम टी, द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप, वी ऑल नो दैट इट इज ड्यूट्रोमाइसिस, दे आर कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है, ठीक है, रॉन्ग पूछ रहा है प्रोटिस्टा में, सम ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक लाइक क्राइसोफाइट्स डाइनोफ्लैजिलेट्स, सम ऑफ देम आर ऑल्सो हेटरोट्रोफिक लाइक यू नो स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, सो ये सही है। सम फंजाई आर एडिबल, ये भी सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ये रॉन्ग, हमें पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एबसेंट, सेल वॉल इज एबसेंट इन एनिमल, ये राइट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, द थर्ड वन। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, डब्ल्यू एम स्टैनले शोड दैट वायरसेज आर क्रिस्टलाइज, एब्सोल्यूटली राइट, ठीक। द टर्म कंटैजियम विवम फ्लूइडम वॉज कॉइंड बाय बेजने, एब्सोल्यूटली राइट। मोजाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस, मोजाइक डिजीजेस इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस, टोबैको डिजीज, मोजाइक वायरसेस एंड एड्स, ये भी राइट है। द वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाई इवानोस्की, नो, वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाई
डाइनर इफ यू रिमेंबर. सो विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, द फोर्थ वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. इट वॉज डिस्कवर्ड बाई डाइनर. लुक इट इन योर एनसीईआरटी बेटा. सेल वॉल इज एबसेंट इन अगैन एनिमल्स एंड बैक्टीरिया. में कौन सा बैक्टीरिया है? ऑल एनिमल्स लैक सेल वॉल एंड बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया लैक सेल वॉल? इसमें कोई एनिमल नहीं है. सो इट इज माइकोप्लाज्मा. सो द राइट आंसर इज द सेकेंड वन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सूटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पॉल्यूशन? आपको पता है लाइकन्स, इट्स गिवन इन योर एनसीईआरटी एज वेल डियर. वहाँ लिखा है पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, वहाँ ये नहीं लिखा है SO2, बट लाइकन्स मेनली सल्फ्यूरिक एसिड पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं. In which of the organism the cell wall forms two overlapping thin cell? You know that it's it's chrysophytes. Chrysophytes mein two overlapping shells hote hain jo cell wall banate hain, jo silica ka bana hota hai. Choose the wrong statement. Wrong pooch raha hai, wrong. Neurospora is used in genetics. Ye to right hai. Morels and truffles poisonous hai, nahi edible hai. So this is the wrong one. So the right answer is second. ईस्ट इज यूनिसेलर फर्मेंटेशन, येस. पेनिसिलिन से हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, येस. विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? राइट, इसमें से केवल ये स्टेटमेंट इस चैप्टर से पूछा गया है, बचा हुआ इस चैप्टर का नहीं है. तो फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करूँगी, जब ये चैप्टर आएगा तब मैं डिस्कस करूँगी. पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँ. म्यूकर हैज बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर. क्या सच में म्यूकर में होता है? मैं अभी आपको बताऊँगी. आई विल कम टू दैट. बचा हुआ ऐसे ही देखते हैं. आर्किगोनिया फाउंड इन ब्रायोफाइट टेडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ये राइट स्टेटमेंट है. ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, ये भी राइट स्टेटमेंट है. एनसीईआरटी पढ़ लेना. आपको पता है जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, ये भी सही है. तो अगर आपने को नहीं पता, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिखा नहीं है कि म्यूकर का जूस्पोर बाईफ्लैजिलेटेड होता है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. बचा हुआ चीज आपके एनसीईआरटी में लिखा है और आपको पता राइट है, तो इससे तो क्लियर हो गया कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, फर्स्ट वाला है. तो यहाँ पर गाइस मैं लगे हाथ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी. म्यूकर एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फाइकोमाइसीट. फाइकोमाइसीट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइकोमाइसीट, एक होते हैं जाइगोमाइसीट. जाइगोमाइसीट का डिस्क्रिप्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है. ये जो आपका ऑप्शन दिया था ना म्यूकर, दैट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू जाइगोमाइसीट. और मैं आपको जाइगोमाइसीट के बारे में बता दूं, आप हो सके तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें. आपको जाइगोमाइसीट के बारे में इतना अच्छा वन पेज डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा. इसमें आता है राइजोपस एंड म्यूकर दोनों आते हैं. इसमें नॉन मोटाइल, दे आर ऑल नॉन मोटाइल. इसमें मोटाइल फॉर्म्स एबसेंट होते हैं. इनका स्पोर और इनका गैमेट, ये पूरा जाइगोमाइसीट ग्रुप. मैं आपको फिर बताऊँ, फाइकोमाइसीट्स एंड जाइगोमाइसीट दो अलग होते हैं. आपके एनसीईआरटी में जाइगोमाइसीट को भी फाइकोमाइसीट में डाल दिया है. म्यूकर एंड राइजोपस, ये दोनों बिलोंग करते हैं जाइगोमाइसीट्स में. एंड जाइगोमाइसीट का कैरेक्टरिस्टिक होता है इसमें फ्लैजेला पूरा एब्सेंट होता है. बीट स्पोर बीट गैमेट, दे आर ऑल नॉन मोटाइल फॉर्म्स. तो अब से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, म्यूकर हैज बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, रॉन्ग, बिकॉज दे आर ऑल नॉन मोटाइल. राइट, अगैन माई गॉड, 7 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट्स टू मच. 2016, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, वी ऑल नो दैट इट्स मिथेनोजन. गाइज मैंने कहा था ना भाई कि क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं, तो आपको दिख रहा है क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं? आपको दिखा क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं? दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली रिपीटेड. ये कितनी बार आ गया आपका? सो द राइट आंसर इज द फर्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? यू बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज फॉल्स बैक्टीरिया, दिस इज रॉन्ग. यू बैक्टीरिया इज ट्रू बैक्टीरिया. फाइकोमाइसिस एल्गल फंजाई, सही है. फाइको मीन्स एल्गल, माइसिस मीन्स फंजाई, दे आर कॉल्ड एज एल्गल फंजाई. साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, सही है. गोल्डन एल्गी को डेस्मिट कहते हैं, ये भी सही है. तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है गाइस? फर्स्ट वन, यू बैक्टीरिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स? हमें अभी आपको बताया इन्फेक्शस आरएनए को हम लोग वायरॉइड कहते हैं. सो दे कॉज इन्फेक्शन करते हैं. देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्युलर वेट, नहीं. आपके एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा हुआ है देयर मॉलिक्युलर वेट इज लेस, विच इज रॉन्ग पूछ रहा है. दे लैक प्रोटीन कोट, येस. दे आर जस्ट आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, ये भी सही है. आपके एनसीईआरटी को खोल के पढ़ लो गाइस, वहां पर क्लियर कट लिखा है दे हैव अ लो मॉलिक्युलर वेट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? द सेकेंड वन इज रॉन्ग. सी हैव शोन इट ऑल्सो. अभी मैंने बताया था वायरॉइड्स, दे वर डिस्कवर्ड बाय डाइनर, भी मैंने बताया था. एंड यहाँ पर लिखा के देयर आर एन ए इज ऑफ लो मॉलिक्युलर वेट, सी इट इज गिवन इन पेज 27. मैंने आपके लिए इसको डाल भी दिया है. सो आई होप यू गॉट इट. और ये जो डाइनर वाली बात बताई थी दैट वायरस वर डिस्कवर्ड बाय डाइनर, ये भी आपको यहाँ पर दिख गया है.
वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई, वी ऑल नो दैट इट्स काइटिन बियॉन्ड डाउट, आई एम श्योर एवरी वन डिड इट राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ, द अर्लिएस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपियर्ड वर नॉन ग्रीप प्रिजर्वली एनरोब. येस दैट्स राइट. तो दुनिया में पहला ऑर्गेनिज्म आया था वो बैक्टीरिया था, और वो एनेरोबिक था एंड नॉन ग्रीन था, यानी कि वो आर्की बैक्टीरिया था, यानी कि दे वर नॉन ऑटोट्रोफिक एंड दे वर ऑल एनेरोब्स. द फर्स्ट ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म वर कीमो ऑटोट्रोफ दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन. ये भी सही है. जो पहला ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आया था वो कीमो ऑटोट्रोफ था, वो फोटो ऑटोट्रोफ नहीं था, ठीक है, एंड एनेरोबिक था, वो कभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता था. तो ऑफ द स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. राइट, सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट वन. क्राइसोफाइट, यूग्लेनॉइड, डायनोफ्लैजनस, स्लाइम मोल्ड बिलोंग टू किंगडम फंजाई, वी ऑल नो दैट. फोर्थ, सो गाइस सिक्स क्वेश्चन 2016 में, टू मार्च 2016 वॉक में एग्जाम कैंसिल हुआ, दोबारा क्या आया देखते हैं. मैच द कॉलम, इसमें से पिस्टल विथ फ्यूज, देखिए इस चैप्टर से ये है नहीं पर आप जानते हैं फ्यूज पिस्टल को हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस. हाइफा ऑफ एस्कोमाइसिस कैसा होता है, डाइकोएरियोटिक. यूनिसेक्सुअल फ्लावर को क्या कहते हैं, फीमेल फ्लावर को पिस्टिले. इस चैप्टर से केवल ये वाला है, एस्कोमाइसीट का हाइफा कैसा होता है, डाइकैरियोटिक होता है. राइट, तो अगर हम इसका क्या है, ए का थ्री, ठीक, तो विच वन इज द राइट आंसर बेटा, द सेकेंड वन बियॉन्ड डाउट. द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, वी नो दैट दे आर बैक्टीरिया. एक ही ऑप्शन है जिसमें बैक्टीरिया है, सो ऑब्वियस इट्स कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई, दे आर हेटरोट्रोफिक, सही बात है. यूनिसेलर मल्टीसेलर, सही बात है. ईस्ट यूनिसेलर है, बच्चे में मल्टीसेलर. दे आर यूकैरियोटिक, सही है. दे हैव सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, कभी नहीं, काइटिन. कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, फोर्थ वन. राइट, सो वी आर डूइंग गुड गाइस. अगर आप इतना कर पा रहे हो, आप देख रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो. मीथानोजन बिलोंग्स टू आर्की बैक्टीरिया, हम बहुत अच्छे से जानते थे बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया. गाइज इफ यू हैव गेस्ड इट राइट, यू आर डूइंग इट गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, आपके एनसीईआरटी में वर्ड बाई वर्ड लिखा है तो सही है. डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली, ये भी एकदम सही लिखा हुआ है. द वॉल ऑफ डाई एटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, नहीं यार आपका लिखा है दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल, सो वी यूज इट फॉर फिल्ट्रेशन, मेरे ख्याल से तो यही गलत है. डायटोमेशियस अर्थ आर फॉर्म, ये भी सही है. तो द रॉन्ग आंसर कौन सा बेटा, थर्ड वन. चलो एनसीईआरटी में देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपके एनसीईआरटी में. लाइक यहाँ क्या लिखा है, दे आर थिन, दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल, देखो लिखा है. और यहाँ पर क्या लिखा है, दे आर डिस्ट्रक्टिबल. तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया गाइस, द थर्ड वन. गुड, राइट, वी आर डूइंग गुड. सेलेक्ट द मिसमैच, प्रोटिस्टा आर यूकैरियोट, सही बात है. मीथानोजेंस आर प्रोकैरियोट, सही बात है. गैस वैक्यूल बैक्टीरिया में पाया जाता है, सही बात है. लार्ज वैक्यूल एनिमल में पाया जाता है, नहीं यार लार्ज वैक्यूल तो प्लांट में पाया जाता है, तो ऑब्वियसली कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, फोर्थ वन. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा गलत है. साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, ठीक है अब देखते हैं. माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस, ये तो सही स्टेटमेंट है बॉस, ये वी ऑल नो दैट. बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन, एकदम सही है. पिलाई एंड फेमराई आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, ये तो गलत है. फेमराई मोटिलिटी में, पिलाई थोड़ा ना मोटिलिटी में. पिलाई तो हेल्प करता है इन फॉर्मिंग कॉन्जुगेशन ट्यूब्स, ये पिलाई है, दो बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में मदद करता है. तो हमें इसका तो, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होते, सही तो है. नॉस्टॉक वगैरह जो हम बनाते हैं, फ्लैजिला कहाँ बनाते हैं, ठीक है. तो हमें क्या, ये देखो नॉस्टॉक का डायग्राम मैंने बनाया है, तो हमें क्या बोला है, रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने. तो इनवेरिएबली ये रॉन्ग है ना, क्योंकि पिलाई मोटिलिटी में काम नहीं करते. विच वन इज रॉन्ग, फोर्थ वन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बैक्टीरिया मतलब आर डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया, दिस इज क्लोरेलाइन टेटनस, क्लोरेलाइन टेटनस. सो द राइट आंसर इज द थर्ड वन. मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको फिर वही एक चीज बोलूँ बेटा, आप एनसीईआरटी के बाहर इतना पढ़ लेते हो है ना, हर एक बैक्टीरिया का नाम भी पढ़ लोगे, उससे होने वाला डिजीज भी पढ़ लोगे, फालतू टाइम वेस्ट करते हो. एनसीईआरटी में देखो यहाँ ना लिखा है टेटनस, पेज 29 निकाल रखा है, यहाँ क्या लिखा है, क्लोरेला एंड टेटनस दे आर कॉज बाई बैक्टीरिया, ठीक है. आपको बैक्टीरिया का नाम भी नहीं पूछा है, केवल क्या करना है बेटा, एनसीईआरटी वर्ड बाई वर्ड पढ़ो, जितना है उतना ही पढ़ लो. एनसीईआरटी के बाहर पढ़ोगे ना पागल हो जाओगे, ठीक, एंडलेस होगा अगर बैक्टीरिया के डिजीजेस पढ़ोगे. यहाँ देखो नाम भी नहीं लिखा है और ना आपसे नाम पूछा है, एकदम एनसीईआरटी आता है, एकदम एनसीईआरटी लगे रहो. एक दो क्वेश्चन के लिए बाहर के लिए कितना जान क्या देना है, एनसीईआरटी को पूरे डिटेल में पढ़ो. राइट, अब आ जाते 2017 में, देखते हैं क्या क्वेश्चन आया.
सो 2017 में आया वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरसेस. तो आपको पता है वायरॉइड में क्या नहीं होता, प्रोटीन कोट नहीं होता. तो डीएनए मॉलिक्यूल नहीं, वायरॉइड्स आर मेड अप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, हमें पता है ना वायरॉइड. जबकि वायरस में क्या होता है, प्रोटीन कोट भी होता है एंड जेनेटिक मटीरियल कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए, राइट. सो यहाँ पर हमारा रॉन्ग आंसर कौन सा है, डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, सॉरी नॉट विथ, नॉट विथ आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, दिस इज योर राइट आंसर. ठीक है, सो नाउ लेट अस लुक एट द, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन. अगेन वी नो इट वेरी वेल, इट्स आर्की बैक्टीरिया, राइट. फिर नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट यू नो विदाउट सेल वॉल एंड आर पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. आपको पता है द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जिसका सेल वॉल नहीं होता और पैथोजेनिक होता वो है माइकोप्लाज्मा. सो गाइज वी कैन सी दैट माइकोप्लाज्मा से क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा रिपीट हो रहा है. सो 2017 में 3 क्वेश्चन आया इस चैप्टर से. नाउ लास्ट ईयर फाइनल क्वेश्चन पेपर देखिए, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, यानी कि मैं क्या, ये क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि कैसा हो गया, जो अभी मैंने बताया नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. और मैंने कहा था नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किस में पाया जाता है, इन फ्यू बैक्टीरिया पाया जाता है. तो इनमें से बताओ बेटा बैक्टीरिया कौन है, तो क्लियर कट है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, राइट. सो द राइट आंसर इज द थर्ड वन. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट, विच इज नॉट अ प्रोकैरियोट, नॉस्टॉक इज अ प्रोकैरियोट बैक्टीरिया. आपको पता है सैक्रोमाइसिस इज ईस्ट which is a fungi which is not a prokaryote. So the right answer is the third one. Select the wrong statement in me se, theek hai, select the wrong statement. Pseudopodia are locomotory and feeding structure in sporozoans. No sporozoan to non motile hote hain jisme plasmodium aata hai, ye to pehle hi galat ho gaya. मशरूम बेसिडियोमाइसिस सही है, सेल वॉल ऑफ इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंजाई सही है, माइटोकॉन्ड्रिया सारे किंगडम में होता है एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी मोनेरा. हमें मालूम है मोनेरा में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल नहीं होते. तो ऑब्वियसली द वॉइस विच वन इज द राइट आंसर गाइज, द राइट आंसर इज द फर्स्ट वन. ठीक है, आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, विदाउट डाउट स्पोर एक्सोजेनसली बनता है इन बेसिडियोमाइसिस, वी ऑल नो दैट इन बेसिडियोमाइसिस. अब बताइए बेसिडियोमाइसिस का एग्जाम्पल कौन है, एगेरिकस, मशरूम्स आते हैं उसमें. सो वॉट इज द राइट आंसर बेटा, द फर्स्ट वन. सीलिएट डिफर्स फ्रॉम अदर प्रोटोजोअन्स इन हैविंग, सीलिएट अदर प्रोटोजोअन्स से अलग कैसे होते हैं, यूजिंग स्यूडोपोडिया, नो दे मूव बाय सीलिया, हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये और प्रोटोजोअन में भी पाए जाते हैं, यूज फ्लैजेला, नहीं सीलिया है, हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, यस. अगर आपको नहीं भी पता तो आपको पता ये तीन आंसर्स क्या है, नहीं हो सकते तो यही आंसर होगा. बाकी मैं आपको बता दूं, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, राइट गाइस. मैं इस डायग्राम में बता दूं, आपको शायद पता नहीं है, ये आपका यू नो सीलिएट पैरामेशियम का एग्जाम्पल है. इसमें दो तरह का न्यूक्लियस होता है, एक है ये बड़ा वाला न्यूक्लियस जिसको कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, सिर्फ लेबलिंग नहीं है बेटा, और ये छोटा न्यूक्लियस है इसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस. तो मैं आपको बता दूँ पैरामेशियम एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दो यू नो सीलिएट एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक्चुअली दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस, राइट. सो इसका फर्स्ट आंसर कौन सा, सीलिएट डिफर फ्रॉम प्रोटोजोअन इन हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर, हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस. अभी आपके एनसीईआरटी में ये तो रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस दे आर कॉल्ड एज डायटम्स, राइट. सो योर राइट आंसर इज द सेकेंड वन. तो इस साल भी 2018 में भी कितने क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आपके आए, सो दैट्स अ वेरी बिग नंबर. तो इससे पहले हम कंक्लूड करें, लेट अस लुक एट एन एनालिसिस. 2010 पीटी में 5, फिर 2, फिर 6, 3, 2, 2, 1. पिछले सालों में अगर आप देखेंगे 7, 3, पिछले कुछ साल में देखेंगे तो 7, 6, 8, 3, 5, दैट इज अ प्रिटी गुड अमाउंट. टोटल क्वेश्चन बायो से कितने आते हैं, 90. चैप्टर कितने हैं आपके, 38. तो 38 मतलब लगभग एक चैप्टर से आपका कितना क्वेश्चन आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चन. यहाँ पर 3 से ज़्यादा आ रहा है. अगर हम डिवाइड करें कि 90 क्वेश्चन आते हैं बायो में, 38 चैप्टर है, तो एवरेज पर चैप्टर में कितना पड़ेगा, 2 पॉइंट समथिंग पड़ेगा, राइट. और अगर किसी भी चैप्टर से 2
टू से ज्यादा क्वेश्चन आता है दैट मीन्स इट्स इंपॉर्टेंट, और टू से कम आता है दैट मीन्स इट्स लेस इंपॉर्टेंट. तो या तो टू से बहुत ज्यादा यार, 5, 6, 7, दैट मीन्स आपके मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन अगर किसी एक चैप्टर से आता है तो इसी चैप्टर से आता है. सो गाइज नाउ यू नो इट दैट दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये चैप्टर आपके लिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप प्लीज इस चैप्टर को प्रायोरिटी में पढ़िए. दूसरा हमने इस चैप्टर से एक और चीज क्या देखा कि इस चैप्टर से आपको जो क्वेश्चन आते हैं